أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله النبي الأمين वाला वसहा तसलीम कसीरा वज़बिल्ल समील आलिमिन शैतान बसमीम वरीस्ूफ़िन मोहतरम नादरीन वसामिनकम वरक़ूक़र इस सीरीज़ में आप तमाम का इस्तबाल हैं पिछले दरूस में बात चल रही थी बीमार के हकूक़ के तल्ल से बीमारी के फ़वाद और यादत की अहमियत और फजीलत के सिलसिले में चंद अहम बातें पिछले दर्श में आपके सामने बयान की गई थी इस मौजू की जो अहमियत के पेश नज़र मैंने मुनासिब मैं मुनासिब समझता हूँ कि और कुछ बातें जो बीमारी के ताल्लुक से हैं उसको आपके सामने रखा जाए तो एक अहम बात इयादत के आदाब इस्लाम ने इयादत की जो अहमियत उसकी फजीलत बताई तो वहीं पर इस्लामी तालीमात हमें इस सिलसिले में मिलती हैं कि इयादत कैसे करना चाहिए उसका क्या तरीक़ा होगा उसके कुछ आदाब हमें बताए गए सबसे पहला अदब यह है कि बीमार से जो है उसका हाल दरियाफ़ करना चाहिए जब हम किसी की यादत के लिए जाएँ तो उसकी हालत के सिलसिले में उससे सवाल करें आप कैसे हैं आप तबीयत कैसी है और जो बीमारी है उस तल्लुक से जो है कुछ बातें हम उससे पूछ पूछना चाहिए अल्लाह के नबी सास का यही मामला था अहदीस में बहुत सारी अहदासी सिलसिले मरवी हैं जैद बिन बिनारकमर रौदील्ला फरमाते हैं कि एक मरतबा मुझे आशूब चश्म की बीमारी लायक लाए आँखों में जो बीमारी आती हैं तो बीमारी लाए कोई कहते हैं अल्लाह के रसूल सासम में मेरी यादत के लिए तशरीफ़ लाएँ और मुझसे हाल दरियाफ़ किया मुस्र हाकिम की सही रिवायत इसी तरह अनस रौदी अल्लाह तन से मरवी हैं कहते हैं अल्लाह के नबी सम एक सहाबी की यादत के लिए तशरीफ़ ले गए जो मर्दलमौत में मुबला थे अल्लाह के नबी आसलम ने उनको उनसे पूछा कि तुम इस वक्त अपने आप को जो है कैसा पाते हो तो उन्होंने कहा कि मुझे अल्लाह की रहमत से उम्मीद है और अपने गुनाहों का डर भी लगा हुआ है आप अलैहि वसल्लम ने कहा लाइशतमिया फ़ी الله ما يرجو फी मिसमोन अल्लाह يخاف। कहा कि इस हालत में इस जिस बंदे के दिल में डर और उम्मीद दोनों चीज़ें जमा हों कि कैफ़ियत तारी हो जाए तो कहाँ कि अल्लाह ताला उसको वो चीज़ अता करता है जिसकी उम्मीद रखता है और उस चीज़ से अल्लाह ताला उसको मामून कर देता है महफूज फरमा देता है जिससे वो डरता है तो इन दोनों हदीसों से जो है और बहुत सारे अदादी इस सिलसिले में मरवी हैं इस बात का पता चलता है कि इयादत का एक अदब यह बताया गया कि हम जब किसी की इयादत के लिए जाएँ तो उसके हाल चाल उसका जो है दरियाफ़ करना चाहिए इसी तरह अगर डायरेक्ट उससे नहीं पूछ सकते कुछ बीमार ऐसे होते हैं बातचीत नहीं कर सकते तो उसके घर वालों से उसकी या उसकी बीमार पुरसी के लिए जो भी वहाँ मुकर हैं उनसे जो है मालूम करना चाहिए इसी तरह एक अदब ये बताया गया कि हम बीमार के पास जाएँ तो उसको तसली दें उसको हिम्मत दिलाएँ उसकी मुकम्मल जो है खैर खाई करें बस बीमारियाँ ऐसी होती हैं कि बीमार डर जाता है घबरा जाता है तो हम उसको जो है तसली दें हिम्मत दिलाएँ और क्योंकि तसल्ली देने से जो है उसका गम हल्का होता है बिन अब्बास नब्बा अजी अल्लाह तुम से मरवी हैं कि प्यारे नबी वसल्लम एक देहाती कीदत के लिए गए और उसे तसली देते हुए आप सल्ल ने कहा लाबासत हर इनशा सही बखारी की रवायत अल्लाह के नबी सा ने फरमाए कोई घबराने की कोई बात नहीं तुम सेहत याब हो जाओगे अगर अल्लाह ने चाहा और आपने कहा कि ये बीमारी पाखिज़गी का बायस बनेगी कि तुम्हारे गुनाहों का जो है कफ़ारा ये बीमारी बनेगी इसी तरह और बहुत सारी जो है इस सिलसिले में रिवायती मरवी हैं अबू दाऊद में उमल आला रदी अल्लाह तह अपने बारे में कहती हैं कि अल्लाह के नबी साहब जो बीमार हुए आप उनकी यादत के लिए गए उनको खुशखबरी दी कहाँ कि खुश हो जाओ क्योंकि आपने फ़रमाया कि बीमारी की वजह से अल्लाह मोमिन के गुनाहों को जिस तरह ख़त्म कर देते हैं जिस तरह आग सोने चाँदी की जो है जंग को मैल को छैल को देते हैं, ख़त्म कर देती इसी तरह बीमार की इयादत के सिलसिले में जो बहुत सारे आदाब हमें बताए गए एक अदब ये हैं कि मरीज़ पर अगर दम करना की ज़रूरत हो कुछ आयतें कुरानी आयत जो अल्लाह के नबी से साबित हैं आप दवाम के साथ जो है उसको पढ़ा करते थे इसी तरह अहादीस में बहुत सारी दुआएं अल्लाह के नबी सा से मरवी हैं वो पढ़कर जो है अल्लाह के नबी सा बीमार को दम किया करते खुशबल खसूस अब्दुल्ला बिन अब्बास रौदी अल्लाह तुमा से जो मरवी हैं अबू दाऊद में फरमाते हैं, जब किसी मरीज़ की यादत के लिए अल्लाह के नबी सा तशरीफ़ ले जाते तो आप सल्ला वसम उसके सराहने बैठ जाते साथ मरतबा दुआ करके दम करते असलीम रब्बल अरसलादीम अश्विक असल रब्बल रबल अरशिला यशवीक सात मरतबा अल्लाह के नबी सा पढ़ते और उसको दम किया करते थे इसी तरह एक और रिवायत अबू सैद खुदरी रदी अल्लाह तहु से मरवी सुन तरमदी में कि जबराल साम जब भी अल्लाह के नबी सा बीमार होते आप तशरीफ़ लाते आप पर रुखिया करते दम करते उसमें अलफ़ात मरवी हैं बिसमल अरक़ी अरक़ी का मिनकुल शी का मिनकुल नबसिन व आयिन हासिन अल्लाक बसमिल्ल अरक़ी का व्लाक ये दुआ जो है ज़िब्रैल साम पढ़ कर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुआ करते आपके लिए आप पर जो है दम किया करते थे इसी तरह आयशा उमुलमिन रदी अल्लाह तह से जो रिवायत मरवी है सही मुस्लिम में कि अल्लाह के नबीसम सुर अखलास और ज़तैन सुर फल सुर नास पढ़ कर दम किया करते अपने जिसम पर जो है अपने हाथों पर फूक कर फेर लिया करते जब अल्लाह के नबी नबीसलम मौत में मुबला थे तो आप कहती हैं मैंने ख़ुद जो है इनको पढ़ा और आप ही के हाथों पर दम करके मैंने आपके जिस्म पर बरकत के की नीयत से जो है हसूल बरकत की नीयत से मैंने आपके जिस्म पर अपने हाथों आप ही के हाथों को जो है मैंने फेरा इसी तरह एक अदब यह बताया गया कि बीमार की खिदमत की जाए यादत के एक एक अदब ये भी है कि बीमार को अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करें उसकी जो भी ज़रूरत हो उसको उठाना बिठाना उसको खिलाना पिलाना उसको लेटाना और जो भी इस तरह की चीज़ें जिसका वो मोहताज होता है बीमारी की हालत में बीमारी के हिसाब से ये तमाम बातें जो है इसमें शामिल हैं इसका ख़्याल हमें रखना चाहिए इसी तरह मरीज़ के हक़ हाँ में जो है दुआ करना चाहिए बीमार के हक़ हाँ में दुआएँ करना चाहिए ये भी एक अदब है साथ में नबी अवकाल जो बीमार थे सही बुखारी की रिवायत मशहूर वाक़ा उनकी बीमारी का अल्लाह के नबी सा उनकी यादत के लिए गए और आपने जो है उनके हक़ हाँ में दुआ फरमाई थी इसी तरह एक और रिवायत अब्दुल्ला बिन उमर अमर रजील् तौ से मरवी हैं अब दाऊद में अल्लाह के नबी नबीसम ने फरमाया जब कोई शक किसी बीमार की आदत करे तो ये दुआ पढ़े अल्लाह मशवी अब्दुख अल्लाह मशवी अब्दुख अल्लाह तेरे बंदे को जो है शिफा आता फ़रमा अल्लाह के नबी सास ने इसका हुक्म दिया इसी तरह देखिए जो है लोगों की कीदत एक बेहतरीन मौका होता है यादत के वक्त हम उनकी असलाह कर सकते हैं अगर उसके अंदर कोई खराबी है कोई भी खराबी आकदे की खराबी हो इबादत से मुतल हो हकूक व मामला या अखलाख आदाब कोई भी किसी ना ही से भी उसके अंदर कोई गलती हम देखें कोई ग़लत हरकत उसकी ज़िंदगी में हम पाएँ तो एक अच्छा मौका होता है बीमार इस हालत में होता है कि कोई भी आप वसीयत करें उसको नसीहत करें उसको जल्दी कबूल करता है इसके बहुत सारे जो है अच्छे असर मुरतब होते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहुत सारी रिवायतें आपसे मरवी हैं क्या आपली वम ने जो है इस लोगों की असलाह फरमाते थे एक रवायत जाबिरल्ला से मरवी हैं कि एक बुड़ी खातून थी उम्म साबर रदील्ला वो जब बीमार थी अल्लाह के नबी आसम उनके पास गए और बुखार से जो है उनका जिस्म तप रहा था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसम ने उनसे हाल चाल जो है दरियाफ़ किया वो बुखार को जो है कुछ बुरा भला कहने लगी, तो अल्लाह के नबी सा आसमन ने कहा कि बुखार को भुला बुरा भला मद जो है मत का आपने फरमाए मोमिन के गुनाहों को इसी तरह मिटा देती है जिस तरह आपने कहा आँग की भट्टी जो है जंग को साफ़ कर देती तो इस तरह जो है अल्लाह के नबी आसलम से और दीगर रिवायतें हैं जिसमें आप ने लोगों की असलाह फरमाई है। इसी तरह एक यहूदी लड़के का वाक़ जो काफ़ी हमने सुना है अल्लाह के नबी सा जो है बिल्कुल मौत में मुबला था अल्लाह के नबी से गए और उसकी असला फरमाई उसको इस्लाम की दावत दी और उसने जो है कबूल किया इस रवायत में भी इशारा हमें मिलता है कि अल्लाह के नबी सा आसम ऐसे मौके की तलाश में रहते थे कि किदत के वक्त अल्लाह के नबी सा किसी चीज़ की असलाह हो उसकी जो है पूरी कोशिश अल्लाह के नबी सा फरमाते थे इसी तरह यादत के सिलसिले में एक अदब ये भी है कि मुनासिब वक्त का इंतबाब किया जाए मुनासिब वक्त अदीस में जो फजीलत यादत की आई है सुबह के वक्त और शाम के वक्त की इसी तरह बीमार के हिसाब से आजकल कुछ बीमार घर पे होते हैं और कुछ जो है हॉस्पिटल में होते हैं तो वहाँ जो विजिट विज़िट की जो टाइमिंग अवकात होते हैं उसका ख्याल हमें करना चाहिए मुनासि वक्त में जो है हम उनको इतला देकर या उनसे इजाज़त लेकर जाना चाहिए ताकि उनको किसी कस्म की जो है तकलीफ़ ना हो इसी तरह यादत के लिए जब जाएँ तो ज़्यादा देर वहाँ नहीं बैठना चाहें जिससे बीमार को जो है तकलीफ़ हो ज़्यादा इधर उधर की बकवास बेजा फ़ूल बातें नहीं करना चाहिए जितना हमारा मकसद है यादत के लिए जाएँ जो आदब हमने सुने हैं उसको मलहूत रखना चाहिए और मुख्तसर वक्त में यादत करके वापस आ जाना चाहिए ला है कि हमारे कोई ख़ास रिश्तेदार करीबी दोस्त हैं वहाँ थोड़ी देर बैठने कोई हरज की बात नहीं है, है कि आम मुसलमानों की आदत के लिए जाएँ तो उस सिलसिले में पूरा ख्याल करें और ख़ास हमारा भी कोई रिश्तेदार हो दोस्त हो कितना करीबी क्यों ना हो जब हमें महसूस हो कि उसको परेशानी हो सकती है तो वहाँ से उठ के चला जा जल्द से जल्द जो है यादत करके निकल जाना चाहिए इसी तरह यादत के सिलसिले में ये बात बताई गई कि हम जब जाएँ तो अच्छी बात करें तो उसको दे हिम्मत दिलाएं और शिफा याबी के सिलसिले में जो कुछ हो सकता हम दुआएं करें अच्छी बात ज़बान से निकालें <स्थियों> क्योंकि इस सिलसिले में सही मुस्लिम में मरवी जो रिवायत है अल्लाह के नबी सा ने फरमाया तुम में से कोई शक किसी बीमार की यादत के लिए जाए या ख़रीबल मौत कोई हो तो अच्छी बात हम कहें फ़क़ोल वैरा फ़ैन अलमलाई का अल्लाह के नबी सा आसन ने फरमाए अमीनून आलामात कहाँ की ज़बान से अच्छी बातें निकालो अच्छी पुर उम्मीद जो है बातें तुम किया करो क्योंकि फ़रिश्ते उस चीज़ पर आमीन कहते हैं जो तुम कहते हो तो ये कुछ आदाब थे ये यदत से मुतल जिसका हमें ख्याल रखना चाहिए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमें सही मानों में जो बातें हमने सुनी समझने की अल्लाह तौफीक अता तरमाएँ और उसी के मुताबिक जो है ज़िंदगी गुजारने की सदत ला नसी फ़रमाएँ हर बला मुसीबत से हमारी हिफाज़त फ़रमाएँ आमीन सुम्मा आमीन इल्ला अल बलागुल मुबीन और अलैकुम व असलमकुम व वबरक